हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई वेलनेस। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें फूड सप्लीमेंट्स अपने डेली न्यूट्रिशन में यूज करने चाहिए, बट हमारे माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक होता है कि व्हाई, क्यों हमें ये फूड सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम सुनते हैं वेलनेस, तो वेलनेस से हमारा मतलब सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं होता है। वेलनेस से मतलब है कि आप मेंटली कितना हेल्दी हैं, आप फिजिकली कितना हेल्दी हैं, और साथ ही आप सोशली कितना हेल्दी हैं। तो इन तीनों लेवल पे अगर आप हेल्दी हैं, इट मींस एक्चुअली यू आर हेल्दी। तो हम जब वेलबींग की बात करते हैं, वेलनेस की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो ओवरऑल उसका मतलब होता है कि हम फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी हों। तो अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है व्हाई वेलनेस। तो इसका आंसर आपके पास खुद के पास है। आप अपने आप से ये तीन क्वेश्चंस जरूर पूछिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। पहला सवाल कि क्या आप डेली न्यूट्रिशन जो हमें ICMR की तरफ से रेकमेंडेड है, क्या आप डेली उतना कंज्यूम करते हैं? डेली न्यूट्रिशन आप डेली डाइट में अपना इतना ले रहे हैं? अगर इसका आंसर नो है, देन यू नीड वेलनेस सप्लीमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, क्या आप डेली हाफ एन आवर की एक्सरसाइज करते हैं या लगभग 3 किलोमीटर का ब्रिस्क वॉक करते हैं? अगर इसका आंसर नो है, इट मीन्स यू नीड वेलनेस। एंड थर्ड क्वेश्चन जो कि आपको अपने आप से पूछना है, वो ये है कि क्या आप अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करवाते हैं? तो अगर इस सवाल का आंसर भी आपका नो है, दैट मींस यू नीड फूड सप्लीमेंट्स। तो ये फूड सप्लीमेंट्स करते क्या हैं? फूड सप्लीमेंट्स हमारे न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करके हमारी बॉडी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, और हमारी जो भी डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हम डेली न्यूट्रिशनल डाइट से, जो हम डेली खाना खाते हैं उससे फुलफिल नहीं कर पाते, उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। गाइस, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो हमारा लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसा हो चला है जो डे बाय डे हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, जैसा कि स्लीपलेस नाइट। हम लोग काफ़ी देर तक रात को जागते हैं, और मॉर्निंग में एज ऑफ नाउ शेड्यूल सबका डाइट रहता है, वर्किंग शेड्यूल, तो हमें टाइमली उठना पड़ता है, लेकिन हम रात को टाइमली सोते नहीं हैं, तो वो भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। मेंटल स्ट्रेस, इवन एक छोटे से बच्चे को भी आजकल मेंटल स्ट्रेस है। पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, साथ ही डीप जंक फ्राइड फूड जो हम खाते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, आजकल सब बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ हो गए हैं जंक फूड की तरफ और डीप फ्राइड फूड की तरफ। बहुत फास्ट रेडी होने वाले, सबको एकदम इंस्टेंटली चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम उनके सामने एक केला रखें और एक मफिन केक रखें, तो वो प्रेफर करेंगे केक केले की बजाय। तो ये एक हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है और हम इससे दूर भाग नहीं सकते हैं। तो इस तरह की लाइफस्टाइल हम लोग कर रहे हैं, आज जी रहे हैं, जिसमें हम अनहेल्दी बेवरेजेस भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ अनहेल्दी हमारे हैबिट्स हो गए हैं लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। तो ये सभी कुछ हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है और हमारे लाइफस्टाइल को और ख़राब बनाता है। और यही कारण है कि जो आज हमारे देश में डिजीज़ का जो लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा होने वाली डिजीज़ेज हैं लंग डिजीज़ेज, डायबिटीज़, ओबेसिटी, कैंसर एंड हार्ट डिजीज़ेज। तो ये डिजीज़ेज डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, जिसके पीछे एक जो मेन रीज़न है वो है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कि हम न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं ले रहे हैं। आज जो क्रॉप्स हो रही हैं, जो फसलें उगाई जा रही हैं, वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के थ्रू उनको ग्रो करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका इफ़ेक्ट उसके अंदर रहता है। और जब हम वो कंज्यूम करते हैं तो कुछ हद तक वो हमारे बॉडी में भी एंटर करते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, और जैसे जैसे हम उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते रहते हैं, तो आगे जाके वो हमें बहुत सारी बीमारियाँ क्रिएट कर देते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि पर्पस क्या है वेलनेस सप्लीमेंट्स का हमारी लाइफ में। सबसे पहला तो ये हमारे न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल कर देता है। दूसरा, हमें होल डे एनर्जेटिक रहने में हेल्प करता है। तीसरा, हमारे बॉडी में होने वाले ऑक्सीडेशंस और टॉक्सिन्स को
रिमूव करता है, प्रिवेंट आउट करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये कुछ पर्पस हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि यस, अगर हमें ये सारी चीजें करनी है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, हमको हमारे को होल डे एनर्जेटिक रखना है, तो बहुत जरूरी है कि हम इन सप्लीमेंट्स को हमारे लाइफ में इन्वॉल्व करें, अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें, अपनी डाइट को अपग्रेड करें विद दीज न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम वेलनेस के फोर कॉर्नर्स को फॉलो करें जो कि ओरिफ्लेम रेकमेंड करता है अपने वेलनेस के साथ। पहला, हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स। दूसरा, वेलबींग। तीसरा, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन। यस, हम जो डाइट लेते हैं वो न्यूट्रिशन से भरी हुई होनी चाहिए। जैसा कि कहते हैं ना कि आपकी प्लेट में रेनबो के सातों रंग दिखने चाहिए, हर कलर का फ्रूट वेजिटेबल आपके प्लेट में होना चाहिए, तभी आप वो पूरी न्यूट्रिशनल डाइट होती है। तो और फिर उसके बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, फिट रखने के लिए, उसको शेप में रखने के लिए। तो एक्सरसाइज भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल का। वो आप बदल बदल के कर सकते हैं। एक्सरसाइज इट मीन्स ये नहीं कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो आप डांस कीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपको एरोबिक्स में इंटरेस्टेड है, आप इंटरेस्ट रहता है तो आप एरोबिक्स कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन बहुत पसंद है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज में आपके वेरिएशन होने चाहिए। सेम एक जैसा एक्सरसाइज आपको डेली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा आपकी बॉडी पे। जब आप एक जैसा वर्कआउट डेली करते हैं तो आपकी बॉडी यूज हो जाती है उसकी, और उतने बेटर रिजल्ट्स आपके बॉडी पे नहीं दिखाई देते हैं। तीसरी, जब हम बात करते हैं वेलबींग, तो जब हमारे आसपास हम जब दोस्तों के साथ मिलके ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा जो मन है वो बहुत खुश होता है, हम खुश होके करते हैं और एक दूसरे के साथ मोटिवेट होते हुए करते हैं कि यस, वो कर रहा है, मुझे भी करना है। अगर आप अकेले करने का सोचोगे एक्सरसाइज, तो आप दो दिन करोगे एंड तीसरे दिन आप वाइंड अप। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत ज़रूरी है फोर कॉर्नर स्टोन्स फॉलो करना अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए। और यहाँ मैंने आपसे अभी बात करी कि मैं रेकमेंड करती हूँ ओरिफ्लेम का वेलनेस, जिसके अंदर आता है एक न्यूट्रिशेक जो कि प्रोटीन एंड फाइबर से भरपूर है, दूसरा ओमेगा 3 के कैप्सूल्स, एंड थर्ड वन इज स्वीडिश ब्यूटी कैप्सूल, जो कि आपके ऑल ओवर बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, आपका विजन, आपका नर्वस सिस्टम, आपके जॉइंट इन्फ्लेमेशन, आपके बॉडी पेन, सभी में वो बहुत ही हेल्पफुल है रिड्यूस करने में, और साथ ही आपकी हार्ट हेल्थ को भी वो बहुत अच्छा रखता है, एंड ऑब्वियसली आपकी स्किन में और आपके हेयर्स में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आता है। तो ये जो पूरा डेली वेलबींग सेट है ओरिफ्लेम जो लेकर आया है आप लोगों के लिए, बहुत ही औसम है, 100% प्योर है, और काफ़ी सारे इसको सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं कि ये नॉन GMO भी है। तो आप इसे बेझिझक होके यूज़ कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह के कलरेंट, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं किए गए हैं, कोई आर्टिफिशियल शुगर इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो बहुत ही सेफ एंड प्योर प्रोडक्ट है आपके कंज्यूम करने के लिए, और रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप ये ओरिफ्लेम का डेली वेलबींग सेट 3 months तक कंटिन्यू यूज़ करते हैं, देन यू विल फील अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर बॉडी, इन योर स्किन, इन योर हेयर्स, ऑसम। तो प्लीज़ आप इनको ट्राई कीजिए, यूज़ कीजिए और रिजल्ट्स अपने आप में खुद फील कीजिए। और अगर अधिक जानकारी आप इसकी चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। बाय बाय।